फ्रेंड, मैं अनामिका नित्या कुकिंग डेन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, मैं आज आपके साथ आलू और साबूदाने की सैंडविच बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही कुरकुरी होती है। तो चलो हम सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 उबले हुए आलू, इसको छील के रख लिया है, 1 कटोरी साबूदाना, इसको धुलना नहीं है वैसे ही लेना है, 1 चम्मच नमक टेस्ट अनुसार, 1 चम्मच नींबू का जूस, तेल लगाने के लिए मिश्रण बनाने के लिए अदरक 1 इंच था, उसको मैंने कद्दूकस करके रख लिया है, 1 चम्मच जीरा, 3 हरी मिर्च काट के रखी है, धनिया की पत्ती आधी कटोरी काट के रख दिया धुल के ऊपर प्लेट। ये जो सामान है ये 3 लोगों के नाश्ते के लिए परफेक्ट है। सबसे पहले हम साबूदाना लेंगे, इसको ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छे से पाउडर बना लेंगे। ये देखिए हमारा पाउडर अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब हम सबसे पहले आलू को मैश करेंगे। आलू को पोटैटो मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। अगर आप इसको ग्रेट करना चाहते हैं तो ग्रेट कर लीजिए। सारे आलू को ऐसे ही मैश कर लेंगे। आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें कटी हुई हरी धनिया, मिर्ची, जीरा, अदरक, नमक स्वादानुसार। मैंने सेंधा नमक का यूज किया है, मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। नींबू का जूस 1 चम्मच, अगर आप अमचूर पाउडर यूज करना चाहते हैं तो अमचूर पाउडर यूज कर लीजिए। अब हम जो ये साबूदाने का पाउडर बनाया है उसको इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसको 10 मिनट ढक के रखना चाहते हैं तो रख दीजिए, नहीं तो इसको तुरंत बना लीजिए। इसको 10 मिनट रख देते जब तक सेट होता है तब तक हम इसकी चटनी बना के रख लेते हैं। चटनी के लिए मैंने धनिया लिया है, 2 हरी मिर्ची ली है, अदरक का टुकड़ा लिया है, ऊपर का छिलका निकाल दिया है, पुदीने की कुछ पत्ती ली है, नमक लिया है, मूंगफली लिया है, आप इसमें नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। सभी सामान को डाल दिया है। थरथरा ने कूट लिया है, पीस लिया है, अब इसमें पानी डाल लेते हैं। ये देखिए मेरी चटनी बनके तैयार हो गई है। मैंने इसमें पानी डाला है, मेरी चटनी बहुत ही अच्छी बनी है। पानी आप उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। कढ़ाई हमारा तेल गरम होता है, तब तक हम मिश्रण बना के रखा है ये अच्छे से सेट हो गया है। को लेंगे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके, तो बड़े बड़े में पेड़े बनाने हैं। इसके लिए सबसे पहले हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तेल लगाने से मिश्रण हमारे हाथों में चिपकेगा नहीं, चकले पे को नहीं पसंद के
थोड़ा मोटा है, पतला, बहुत ज्यादा इसको पतला नहीं बेलना है, बेलेंगे इसको। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके बेल लेंगे, और जो साइड की किनारी फट रही है उसको हाथ से अच्छे से सेट करते जाएंगे। चारों साइड अच्छे से बेलना है, इसे सेट कर लेंगे। आप पिज्जा कटर या नाइफ की हेल्प से इसको ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। जब हमारा तेल खूब अच्छा गरम हो जाएगा, हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा तेल गरम हुआ कि नहीं। हमारा तेल गरम हो चुका है अच्छा खासा, क्योंकि हम डाल रहे हैं इसको तो ऊपर आ जा रहा है। अब हम एक नाइफ लेंगे, नाइफ की हेल्प से साइड साइड के से निकाल लेंगे। तेल में एक एक करके से फ्राई होने के लिए डाल देंगे। हमारा तेल पहले अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, उसके बाद हम इसकी फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे, नहीं तो जल जाएगा और इतना कुरकुरा नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत ही एक कुरकुरा नाश्ता बनता है। मैंने सारे टुकड़ों को अच्छे से डाल दिया है, पर इसको हमें 2 से 3 मिनट तक पलटना नहीं है, क्योंकि जब अच्छे से नीचे पक जाएंगे थोड़ा तभी पलटेंगे, नहीं तो टूट जाने का डर रहता है इसको बार बार पलटने पे। तब तक हमारा वो मिश्रण पकता है, अब हम दूसरा मिश्रण लेके दूसरे सैंडविच बना के तैयार कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हम इसको एक एक करके से पलट लेते हैं। देखिए बहुत ही कुरकुरे बनेंगे, बस हमें इसको तुरंत नहीं पलटना रहता है। ये हमारा एकदम कुरकुरा बनके तैयार हो गया, अब हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही कुरकुरा नाश्ता बनके तैयार होता है। हम ऐसे दूसरे पीस को ऐसे तेल में एक एक करके डाल देंगे। सेम प्रोसेस से इसको भी वैसे ही तल के निकाल लेंगे। जब इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तभी ये देखिए हमारा नाश्ता कितना कुरकुरा बना है। हमारी सैंडविच बनके तैयार हो गई है, बहुत ही कुरकुरी बनी है। मैंने इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू।